हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में। ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है, और टारगेट नहीं लगा सकते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, जब मार्केट अपसाइड जाएगा, अपसाइड जाके फिर आपका स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस को कैसे पहचानेंगे, कौन सा स्टॉक के ऊपर कितना परसेंट हम लोग टारगेट सेट कर सकते हैं, कितना कौन सा स्टॉक के ऊपर कितना परसेंट हम लोग स्टॉप लॉस सेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो को इन तक देखिए, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत सारे बंदे को यही सेम प्रॉब्लम होता है टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेके। मैक्सिमम बंदे को जो प्रो है या जो ऑलरेडी अकाउंट ओपन किया है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, जो बिगेनर है, मैक्सिमम बंदे को यही सेम प्रॉब्लम होता है, टारगेट कहां पर लगाऊं और स्टॉप लॉस कहां पर लगाऊं। इसी का मैं आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन देने वाला हूं। तो इसको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, कैसे कैसे मैं आपको टारगेट को सेट करना सिखा रहा हूं और कैसे आपको स्टॉप लॉस को सेट करना सिखाऊंगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे वीडियो में बताता है जे आपको 2% 1% 3% स्टॉप टारगेट सेट करना है, लेकिन वो इसका लॉजिक आपको नहीं बताता है। तो हम लोग लॉजिक सीखेंगे जो कौन सा स्टॉक में कितना परसेंट हम लोग टारगेट ले सकते हैं, कितना परसेंट स्टॉप लॉस हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, यही लॉजिक हम लोग आज वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले दो मैं स्टॉक ले लेता हूं, एक जेल एंड रिलायंस। अभी एक छोटा सा नोट कीजिएगा, छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिएगा, रिलायंस कितने का स्टॉक है ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिलायंस क्या है, 2000 का स्टॉक है, ये चीज को नोट कीजिएगा। रिलायंस एक 2000 का स्टॉक है और जेल कितने का स्टॉक है, तो 200 का स्टॉक है। अभी एक चीज को कंपेयर कीजिएगा, रिलायंस डे के अंदर, सपोज मैं बता रहा हूं, रिलायंस जो है डे के अंदर 40 पॉइंट भाग सकते हैं और जेल आपको डे के अंदर 2 पॉइंट भाग सकते हैं। मतलब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं रिलायंस का और इसका जेल का, तो रिलायंस जो है 1% अपसाइड मूव करता है या डाउनसाइड मूव करता है, तो 20 पॉइंट मूव कर सकते हैं अपसाइड में या डाउनसाइड में। बट उसकी पोजीशन में 1% जेल मूव करेगा तो कितना पॉइंट मूव कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट अपसाइड में मूव कर सकता है, डाउन साइड में 2 पॉइंट मूव कर सकता है, उससे ज्यादा ये मूव नहीं कर सकता है। तो ये बेसिक कंपेयर है जो आपको पहले स्टॉक को पहचानो, स्टॉक कितने का है, कितने का स्टॉक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक कितने का है, उसका प्राइस क्या चल रहा है, कितने प्राइस का स्टॉक है। 200 का स्टॉक है तो 1% के हिसाब में आप 2 पॉइंट स्टॉप लॉस रख सकते हो, और रिलायंस जैसे है, रिलायंस जैसे 2000 का स्टॉक है तो आप उस जगह पे 20 पॉइंट का टारगेट आराम से आप अचीव कर सकते हो। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे, डेली वोलेटिलिटी जो होता है उसमें हम लोग पहचानेंगे जे हम लोग कितना सही में हम लोग कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जाना है इस वीडियो में जो एनएससी का वेबसाइट है, एनएससी का वेबसाइट में। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं एनएससी का वेबसाइट में, हम लोग पहचानेंगे इसको, ये इसमें कितना वोलेटिलिटी है, जेल में कितना वोलेटिलिटी है और रिलायंस में कितना वोलेटिलिटी है, तो उसके थ्रू हम लोग टारगेट को सेट कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी तरीके से, इजी तरीके से हमारा टारगेट भी हिट हो सकता है। तो वो कैसे, तो एनएससी के साइट में हम लोग जाता हूं। एनएससी के साइट ओपन करने के बाद हम लोग को सबसे पहले एक ऑप्शन सर्च बार दिखाई देगा, इस जगह में आप देख सकते हो एक सर्च बार आपको दिखाई दे रहा है, इसी जगह पे हम लोगों को सर्चिंग करना है। इस जगह पर क्या सर्चिंग करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लोग इक्विटी में सर्चिंग नहीं करेंगे, हम लोग इक्विटी के जगह पे हम लोग दूसरा चेंज करेंगे। वो क्या चेंज करना है, हम लोग को इक्विटी डेरिवेटिव चेंज करना है। इक्विटी डेरिवेटिव, जैसे हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव चेंज कर लेते हैं, उसके बाद जिस स्टॉक का हम लोग वोलेटिलिटी सर्च करने वाला है, जिसके थ्रू हम लोगों को टारगेट के बारे में पता चलेगा, उस स्टॉक का नाम लिखेंगे, पहले रिलायंस लिखेंगे। तो हम लोग एक नोट भी करेंगे, एक नोटपैड सिंपल से मैं निकाल लेता हूं, तो हम लोगों को पता चल जाएगा पूरे डिटेल कैलकुलेशन क्या निकल के आ रहा है।
मैं नोट पैड निकाल लिया हूं, यहां पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूं रिलायंस। रिलायंस और यहां पर लिख लेता हूं जेल। तो इसी तरीके से आप करेंगे तो 100% आपका टारगेट जो होगा सक्सेसफुल रहने वाला है। यह चीज किसी ने बताया नहीं होगा। यहां पर आप क्या सर्चिंग करना है, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे सर्चिंग करेंगे रिलायंस का आ जाएगा। रिलायंस का आने के बाद आपको क्या कहना है, बहुत टाइम आपको ये नोटिफिकेशन आएगा तो आपको क्या कहना है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट कोई भी एक एक्सपायरी डेट आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसका डेटा आपको नीचे बिलो मिल जाएगा, जैसे मिल जाता है गेट डेटा में आप क्लिक करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। डेटा मिलने के बाद आपको क्या करना है, आदर्स इंफॉर्मेशन बोल के जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आदर्स इंफॉर्मेशन, ये आदर्स इंफॉर्मेशन को ओपन करना है। आदर्स इंफॉर्मेशन को जैसे ओपन करेंगे उसके नीचे डेली वोलेटिलिटी आएगा। डेली वोलेटिलिटी मतलब ये जो स्टॉक है एवरेज वोलेटिलिटी जो है, ये डेली वोलेटिलिटी में आपको समझ में आएगा। इंटरडे में भी आप समझ सकते हो, इंटरडे के अंदर आएंगे तो इंटरडे के अंदर भी आपको डिटेल्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसको ही रखना है, अब डेली वोलेटिलिटी को आपको नोट कर लेना है। डेली वोलेटिलिटी कितना है 2.40, मतलब पर डे मैक्सिमम डे ये क्या कर सकता है, ये 50 पॉइंट तक अपसाइड या डाउनसाइड जा सकता है रिलायंस। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इसके हिसाब में, मैक्सिमम 50 पॉइंट, उसके बिलो हम लोग टारगेट सेट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको पहले नोट कर लेते हैं जो हमारा डेली वोलेटिलिटी कितना होता है। ये 2000 का स्टॉक है रिलायंस, क्या है रिलायंस 2000 का स्टॉक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक कॉलम देंगे, फिर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। और इसका डेली वोलेटिलिटी कितना है 2.40 है, तो हमारा निकल के कितना आ रहा है, ये 50 पॉइंट का हमारा ये मूवमेंट हमारा निकाल सकता है इस स्टॉक में। तो डेली पार्ट डे का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टारगेट जो होना चाहिए वो हमारा 50 पॉइंट का होना चाहिए रिलायंस में। ठीक है, मैक्सिमम टारगेट जो होना चाहिए वो 50 पॉइंट का ही आपको होना चाहिए, ये चीज को ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम टारगेट आपका कितना होना चाहिए रिलायंस में, 50 पॉइंट का होना चाहिए। एक प्रो ट्रेडर के लिए, एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप के लिए ये टारगेट आप सेट कर सकते हो मैक्सिमम के हिसाब में। अभी उसको कैसे हम लोग तीन टारगेट को डिवाइड करते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो उसके बाद हम लोग जेल में देख लेते हैं, जेल में क्या है, जेल का सिनेरियो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहां पर हम लोगों को क्या कहना है, जेल सिलेक्ट करना है। जेल सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा, कोई भी एक्सपायरी एक चूज कर लीजिए। उसके बाद गेट डेटा में जैसे ही क्लिक करेंगे ये स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है 200 रुपीज का, बराबर 200 रुपीज का जैसे स्टॉक दिखाई दे रहा है। ये पार्ट डे 1.30% मूव करते हैं मैक्सिमम टाइम, तो इसका डेली वोलेटिलिटी कितना हो सकता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए इसका जो डेली वोलेटिलिटी है ये कितना परसेंट है, ये 3.9 मतलब 4% है। कितना परसेंट है, 4% है, 4% ये पार्ट डे मूव कर सकता है। पार्ट डे कितना मूव कर सकता है, 4% ये मूव कर सकता है, चाहे अपसाइड में हो चाहे डाउनसाइड में हो, इसमें वो मूव कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसमें जाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टॉक का प्राइस हम लोग नोट कर लेते हैं, सपोज 200 रुपीज, और इसका डेली वोलेटिलिटी है 4.30, मतलब ये कितना परसेंट मूव कर सकता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया 8-9 पॉइंट, ये एक्चुअली 9 पॉइंट मूव कर सकता है। तो आपको मैक्सिमम टारगेट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टारगेट आपको होना चाहिए 9 पॉइंट आप मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टारगेट रिलायंस जेल पे आप रख सकते हो मैक्सिमम टारगेट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 में डिवाइड करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को कितना टारगेट आ जाएगा, कैलकुलेटर हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग टारगेट टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप टारगेट सेट कर सकते हो
तो आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे 50 है, ये 50 अब डिवाइडेड बाय 3, तो कितना टारगेट हम लोगों को रखना चाहिए, एट ए वन टाइम ये हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 16 रहेगा, 16 हमारा टारगेट रहेगा कितना, 16 पॉइंट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 16 पॉइंट, सेकंड टारगेट रहेगा 16+16 और फाइनल टारगेट हमारा जो है 50 पॉइंट का ही रहने वाला है। तो हम लोग इसी तरीके से हम लोग टारगेट सेट कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारा टारगेट बहुत ही अच्छी तरीके से हिट हो सकता है। तो इसमें भी फर्स्ट टारगेट कितना रहने वाला है, तो हम लोग सोचेंगे जो फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट कितना परसेंट होगा, 9, 1 मिनट यहां पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ जाएगा, इजी टू यूज है, बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आप अर्न जनरेट कर सकते हो। तो 9/3 तो हो जाते 3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट टारगेट 3 पॉइंट के हम लोग रख सकते हैं, सेकंड टारगेट 3+3 तो 6 पॉइंट का होता है, एंड फाइनल टारगेट जो हमारा इस स्टॉक में निकल के आता है वो है 9 पॉइंट। तो हम लोग कैसे, हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं। अभी सोचिए मैं आपको चार्ट में लेके जाता हूं, ये रिलायंस का चार्ट है। जैसा हम लोग 16 पॉइंट का टारगेट बोल चुके हैं, तो हम लोग 60 पॉइंट टारगेट को हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे चार्ट में। चार्ट में कैलकुलेशन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग सही में क्या 16 पॉइंट, जैसे यहाँ पर सेल सिग्नल दिया है। सोचो लमसम कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हो या कोई भी प्राइस एक्शन यूज करते हो, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको दिखाई देगा। देखिए हम लोग क्या, या तक हम लोग टारगेट लेते हैं, तो हमारा ये टारगेट कितना आ रहा है, 35 पॉइंट, मतलब ये 35 पॉइंट मूव किया है, मतलब टारगेट हुआ एंड टारगेट टू हमारा इस जगह पे, ये जो सेल सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, इसी सेल सिग्नल पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, इस पोजीशन में ट्रेड लेते हैं, तो हमारे टारगेट 35 पॉइंट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो हम लोग फिर से इसमें जाएंगे तो हम लोग क्या सेट किया था, फर्स्ट टारगेट 16 पॉइंट, मतलब फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव्ड हो चुका है, एंड सेकंड टारगेट हमारा कितना निकल के आ रहा है, सेकंड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है ये 32 पॉइंट। बट इसने मूव कितना किया है, ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये कितना मूव किया है, रिलायंस कितना मूव किया है, लो कब तक मारा है, ये 35, ये 39 पॉइंट तक इसने लो मारा है, 39 पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई देगा, 39 पॉइंट इसने मूव किया है। तो हमारा क्या इस कंडीशन में हमारा होता है सेकंड टारगेट भी हमारा अचीव, तो हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसी लॉजिक के हिसाब में आप टारगेट स्टॉप लॉस सेट करते हो तो आपका क्या, आपका कभी भी लॉस होने का चांसेस नहीं रहेगा। इस कंडीशन में आप देख सकते हो रिलायंस ने क्या किया, हमारा दोनों टारगेट को अचीव कर दिया, क्योंकि ये 16 पॉइंट इसका नॉर्मल हो जाता है, इसके लिए 10-16 पॉइंट इसका नॉर्मल हो जाता है, और सेकंड टारगेट भी इसका नॉर्मल आ जाता है नॉर्मल के अंदर, क्योंकि इसका मैक्सिमम टारगेट जो है रिलायंस में हमारा जो मैक्सिमम टारगेट रहता है वो 50 पॉइंट का रहता है। तो हम ये 50 पॉइंट तक नहीं गया तो चलेगा, लेकिन ये फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट दोनों टारगेट में से कोई ना कोई एक टारगेट को अचीव करने वाला है, वो भी 100% अचीव करने वाला है। अभी जेल में देख लेते हैं, जेल में देखिए ये क्या किया, फर्स्ट टारगेट हमारा 3 पॉइंट का रखा हूं। अभी हम लोग जेल में चलते हैं, जेल में भी एक बार नोट डाउन कर लेते तो हम लोगों को पर्टिकुलरली समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो का एंड पे बहुत सारा ऑप्शन में आपको बताने वाला हूं, तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 1% इसने मूव किया है, सोचो हम लोग ये सेल सिग्नल पे लमसम कोई भी एक इंडिकेटर हम लोग यूज किया हूं, तो हम लोग सेल सिग्नल पे हम लोग सेल सिग्नल का टारगेट हम लोग पकड़ लेते हैं, तो हम लोगों को पता चल जाएगा जो हमारा टारगेट सही में अचीव होता है क्या नहीं।
ये देखिए, ये सिग्नल जो बोल रहे हो आपके पास, ये आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है मेरे इंडिकेटर में, ये लमसम इंडिकेटर है, ये कोई पर्टिकुलर आपको बाईसेल सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है। मैं एक आपको आइडिया देने के लिए ये इंडिकेटर यूज कर रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए इस जगह पे आपको सेल सिग्नल मिला है, आपका प्राइस एक्शन के थ्रू हो या आपके इंडिकेटर के थ्रू हो, तो आपको कैसे टारगेट सेट करना है वही चीज को हम लोगों को फॉलो करेंगे। देखिए इस जगह पे हमारा सेल सिग्नल दिया है, तो हम लोग इसी जगह से हम लोग सेल सिग्नल को काउंटिंग करेंगे। इसने देखिए ये तक लो बनाया, मतलब 3.90 पॉइंट इसने लो बनाया, कितना पॉइंट, 3.90 पॉइंट इसने लो बनाया है। तो हमारा टारगेट कितना हुआ था, हमारा फर्स्ट टारगेट जो था ये हमारा अचीव हो चुका है। तो देखिए आराम से ये टारगेट आपको अचीव करके दे रहा है, क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है, हिट कर रहा है। आपका जो टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट तो आराम से हिट करेगा और सेकंड टारगेट भी आपको आराम से हिट करने वाला है। तो इसी तरीके से हम लोग टारगेट को सेट कर सकते हैं। अभी हम लोग स्टॉप लॉस कहां पर सेट करेंगे, स्टॉप लॉस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस वीडियो का टॉपिक ही है टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो हम लोग टारगेट इसी तरीके से सेट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझ में आएगा जो हम लोग टारगेट बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टॉप लॉस के बारे में समझेंगे, स्टॉप लॉस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। जैसे हम लोगों को स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, हम लोगों को स्टॉप लॉस हमेशा रखना है जो हमारा इसमें टारगेट होता है इसका 50%, जो फास्ट टारगेट हमारा होता है। जैसे ये हमारा फास्ट टारगेट है, फास्ट टारगेट का 75% सॉरी, तो हम लोग जो यहाँ पर कैलकुलेशन किया हूं तो उसी हिसाब में हमारा एसएल हो जाएगा, हमारा एसएल कितना हो जाएगा इसके हिसाब में, ये जो हमारा 3 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट है उसके हिसाब में हमारा एसएल हो सकता है कितना पॉइंट, इसका 75%। ये जो टारगेट है हमारा 3 पॉइंट का 75%, तो हमारा निकल के आ जाता है 2.35, ठीक है, 2.35 समथिंग, मतलब 2.50 कर देता हूं, मतलब 2.5 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस आता है जेल पे। और हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो फास्ट टारगेट है, हम लोग स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करेंगे हमेशा फास्ट टारगेट के ऊपर, हम लोग स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करेंगे हमेशा फास्ट टारगेट के ऊपर, हम लोग सेकंड टारगेट के ऊपर स्टॉप लॉस को नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम लोग हमेशा करेंगे फास्ट टारगेट के ऊपर स्टॉप लॉस को कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारा टारगेट 3 पॉइंट का है, ये पर डे का टारगेट है, एक बार आप ये सेटअप कर लिए, एक एक्सेल शीट आप बना सकते हो पर स्टॉक का, तो आपको इजी हो जाएगा टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करने में। देखिए ये जो है एसएल है, एसएल आप क्या करेंगे, एसएल करेंगे 2.50 करेंगे, 75% करेंगे, तो आपका कितना हो जाता है 2.50, ठीक है। और इसके एसएल 75% करेंगे तो 10 पॉइंट हमारा आते हैं, तो हमारा कितना एसएल आता है रिलायंस में 10 पॉइंट। इजी तरीके से आपका एसएल भी कई जगह पे आपका हीट होने वाला नहीं है, आप पर्टिकुलरली आप ट्रेड ले पाते हो तो ये एसएल आपका हीट नहीं करने वाला है, और ये एसएल आपका हीट कर देता है तो मार्केट उल्टी दिशा में घूमने वाला है 100% के साथ। मैं आपको बता सकता हूं ये चीज को कंफर्मेशन के साथ, मैं आपको बता सकता हूं 100% कंफर्मेशन के साथ मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड आज का वीडियो इतना तक ही था, आपको कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छा है। और एक चीज बोलता हूं, जो लोग डिसलाइक करते हैं वीडियो को, डिसलाइक करते हैं वो लोग एक्चुअली कौन लोग डिसलाइक करते हैं आपको कोई समझना चाहिए, जो बिगिनर है बिगिनर को भी समझना चाहिए, जो लोग डिसलाइक करते हैं वो लोग एक्चुअली स्टॉक मार्केट में बहुत ही लूजर होता है, वो स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर सकता है, वो बहुत आइडिया ढूंढते हैं, वो खुद को महान समझते हैं, इसलिए लूजर होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी किसी को मौका नहीं देता है, उसमें मौका ढूंढना पड़ता है हम लोगों को। चाहे कोई भी इंडिकेटर खरीदो, चाहे लाखों रुपए, 2 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए का आप इंडिकेटर खरीद लो या कोई भी इसके ऊपर काम करो, मार्केट आपको कभी भी मौका नहीं देगा, आपको मौका ढूंढना पड़ेगा और आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। आपको सक्सेस आपको आपके पास है, आपके हैंड में है, आपके माइंड में है, आप सक्सेस लेना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और डिसलाइक प्लीज मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ये टॉपिक शायद किसी ने शेयर नहीं किया होगा। तो फ्रेंड ये चीज को आपको हमेशा कॉन्फर्मेशन रखना चाहिए,
कि हम लोग कैसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट को याद कर सकते हैं, टारगेट को सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को कैसे सेट कर सकते हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे रिलायंस है, रिलायंस 2000 का स्टॉक है और ये 200 का स्टॉक है, ये एग्जांपल को हमेशा याद रखिएगा, 2000 एंड 200 का स्टॉक, दोनों में कंपेयर करूं तो ये बहुत ही छोटा है तो इसका टारगेट भी बहुत ही छोटा होगा, और ये बहुत ही लार्ज है तो इसका रिलायंस बहुत ही लार्ज है तो इसका टारगेट भी बड़ा होगा। तो इसी के हिसाब में हम लोग टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। हम लोग जेल में कभी भी 2 पॉइंट के जगह पे हम लोग 5 पॉइंट का टारगेट नहीं रख सकते, क्योंकि उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना दूर वो जेल नहीं जा सकते हैं। बट रिलायंस में हम लोग 20 पॉइंट टारगेट रखेंगे तो ये आराम से आपको अचीव कर देगा। तो फ्रेंड वीडियो इतना तक ही है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।